रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। रालोद का एनडीए में शामिल होना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि जयंत के दादा यानी कि चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न का ऐलान भी कर दिया गया है और कहा भी जा रहा था कि बीजेपी से डील पक्की करने के लिए आरएलडी ने ये शर्त रखी थी, जिसे बीजेपी ने बीते शुक्रवार को ऐलान के साथ पूरा कर दिया। वहीं इसके बाद जयंत का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में इशारा कर दिया था कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब वो किस मुंह से बीजेपी ना करे। एक बार इस बयान को सुनिए। देखिए कोई कसर रहती, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जयंत चौधरी का जाना इंडिया गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की सीटों पर उनकी खासी पकड़ है। लेकिन अब जयंत को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। शिवपाल यादव का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटे दलों को सम्मान नहीं करती। देखिए जयंत चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। इसी पर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने शिवपाल के इस बयान पर समाजवादी पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा सभी दल इनसे क्यों किनारा कर रहे हैं, सपा का बसपा से दो बार गठबंधन क्यों टूटा। आरोप लगाने से पहले खुद अपनी तरफ पहले देखें। समाजवादी पार्टी कहाँ सम्मान देती है, समाजवादी पार्टी से क्यों जयंत जी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का बसपा से दो दो बार गठबंधन क्यों टूटा, कांग्रेस से गठबंधन टूटने कगार पर दूसरी बार, निषाद पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा, भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा। अगर दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं तो चार गो उंगलियां अपने तरफ कह रही है कि अपने तरफ झांक के देखो कि आपने क्या किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा है। जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया है, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। शायद जल्द ही जयंत इसको लेकर तस्वीर साफ कर दें।